नमस्कार दर्शकों, जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी हो या फिर विनायकी चतुर्थी हो या फिर बुधवार का दिन हो, बिना दुर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है कि 5 दुर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है और 3 गांठ वाली दुर्वा अर्पित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और हमारे ऊपर आने वाले सारे विघ्न दूर कर देते हैं। तो दर्शकों, कई लोगों का कहना है कि दुर्वा कैसी होती है, तो देखिए हमने अपना गमले में लगा रखी थी और वह दिखाई है। दुर्वा पतली सी होती है, कई लोग जंगली घास भी उखाड़ कर ले आते हैं, लेकिन दुर्वा इस तरीके की होती है और गणेश जी को 3 गांठ वाली दुर्वा अर्पित की जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये दुर्वा होती है और इसमें 3 गांठें कैसी होती है वो भी हम बता देते हैं। अगर आप हाथ लगाकर महसूस करेंगे तो आपको 3 गांठें दिखेंगी और 5 पत्तियों होती हैं। हर एक पत्ती के आगे 3 एक गांठ होती है, तो 3 गांठ हमें चूज करनी है और फिर उसे तोड़ लेना है और 5 पत्ती आएंगी। 3 गांठ वाली दुर्वा में 5 पत्ती आती हैं, तो इस तरीके से ऊपर 3 पत्ती और आजू बाजू 2 पत्ती, तो यहाँ तक के लिए इतनी 3 गांठ वाली दुर्वा हो जाती है। इस तरीके से आप 5 दुर्वा गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश भगवान विघ्न हरता है, वो अपने ऊपर सारे विघ्न हर लेते हैं, आपको कोई विघ्न आने नहीं देते हैं। तो गणेश भगवान की पूजा आप रोजाना भी करते हैं तो 1 दुर्वा भी अर्पित करेंगे तो आपके घर में सुख शांति व वैभव प्राप्त होगा। और इस तरीके की दुर्वा ही आप अपने घर में लगा सकते हैं या फिर आप कहीं साफ सुथरी जगह से ला करके भगवान गणेश को धो करके अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा बिना दुर्वा के अधूरी मानी जाती है। तो कई लोगों के सवाल थे कि दुर्वा किस तरीके की होती है और आप हमें दुर्वा ला करके बताइए। तो ये देखिए इस तरीके की दुर्वा होती है, पतली सी। एक सफ़ेद दुर्वा भी आती है और एक हरी दुर्वा आती है। मैं ये हरी वाली बता रही हूँ, सफ़ेद दुर्वा का ज़्यादा महत्व होता है लेकिन वह बहुत कम मिल पाती है, इसलिए हरी दुर्वा भी चढ़ाई जाती है। हरी दुर्वा से भी भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, क्योंकि दुर्वा में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कैसी दुर्वा होती है, हम किस तरीके की दुर्वा चढ़ाएं, क्योंकि जंगली घास भी जगह जगह उग जाते हैं। तो दोस्तों, और भी कई ऐसे उपाय हैं जो हमने पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।